हेलो एवरीवन, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है। कुछ का कहना है कि मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, तो एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन तो किया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और कुछ का कहना है कि उनकी बेसिक ही बहुत वीक है। तो उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे एग्जाम देना है, तो फिर देना है, चाहे कोई भी रीजन हो, एग्जाम स्किप मत करो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर एक बार आपने अगर दिमाग में बैठा लिया कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप जरूर क्रैक कर लोगे। अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, ये मेरे दिमाग में भी आ रही थी, लेकिन मैंने इस ATC के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और मेरी इंटरव्यू जो थी, मेरी इंटरव्यू भी बहुत बेहतरीन गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई की बैकग्राउंड चाहे जो भी रही हो, लेकिन अगर आपने इस एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, तो आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक करोगे। बस अपने दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मत आने दो। कल एग्जाम है, दिमाग में बस यही सोचना है कि एग्जाम देना है और करना है, फोड़ देना है। ऑल द बेस्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।